Hi, this video we will discuss a free-fall equation and an example based on free-fall equation. देखिए free-fall का मतलब है simply कि आपने किसी object को एक particular height से zero initial velocity से release कर दिया. जैसे इस marker को मैंने release कर दिया था या drop कर दिया था, तो उस केस में हम बोलेंगे कि marker का जो motion है, this is free-fall. अब मैं निकालना चाहता हूँ when something is falling freely, so when something is under free-fall, तो initial position से एक टाइम टी में वो कितना हाइट ड्रॉप करता है. हम निकाल सकते हैं ये बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर. देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्सिस का आपका डाउनवर्ड्स ले रहा हूं, व्हिच मींस एक्सीलरेशन विल बी प्लस g. तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर में आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका डाउनवर्ड्स हो रहा है, लेट्स से एक हाइट h वो ड्रॉप करता है, एक लेंथ h वो ड्रॉप करता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन प्लस g. आप देख सकते हैं दिस गिव्स यू द फ्री फॉल इक्वेशन, दैट इज अ हाइट ड्रॉप्ड इन टाइम t इज h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. इतनी हाइट को ड्रॉप करता है टाइम t में. प्लीज नोटिस करिए ये यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये हाइट आपने मेजर किए फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट वाज ड्रॉप, सिर्फ वहां से आप मेजर कर रहे हैं तब इतना आंसर आ रहा है जहां से आपने इसको ड्रॉप किया. चलिए इमीडिएटली इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए आपके पास एक टैप है जिससे ड्रॉप्स, कुछ लेट्स से वाटर ड्रॉप्स जो है फॉल कर रही है एट अ रेगुलर इंटरवल. तो एक ड्रॉप फॉल की, फिर उसके बाद 0.5 सेकंड बाद फिर एक और ड्रॉप आई, फिर 0.5 सेकंड बाद फिर एक और ड्रॉप आई, फिर 0.5 सेकंड बाद एक और ड्रॉप आई. तो आप देख सकते हैं इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स इज 0.5 सेकंड. अब मान लीजिए हम अभी से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, अभी जो ड्रॉप फॉल करने वाली है उसको बोलते हैं ड्रॉप वन, फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. जब सिक्स्थ ड्रॉप फॉल करने वाली है, अभी बस अभी फॉल करने ही वाली है, उस टाइम पे आपको बताना है कि थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप्स जो कि ऑलरेडी फॉल कर रही होंगे उस टाइम तक, उनके बीच में सेपरेशन कितना है. थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप के बीच में सेपरेशन निकालना है व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू फॉल. आप खुद से ट्राई करना चाहे तो अभी पॉज कर सकते हैं या फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए मैं यहां पे आपको विजुलाइज करने के लिए ये ड्रॉप्स दिखा रहा हूं. मान लीजिए जब सिक्स ड्रॉप बस फॉल करने ही वाली, तो फिफ्थ यहां पे, फोर्थ यहां पे, एंड सो. अब थोड़ा ऐसे सोचिए, देखिए फिफ्थ ड्रॉप यहां पे, फोर्थ यहां पे, फोर्थ जो ज्यादा फॉल करिए फिफ्थ से, क्यों, क्योंकि फोर्थ को ज्यादा टाइम मिला है. कैसे ज्यादा टाइम मिला आप सोच सकते हैं कि फिफ्थ ड्रॉप, मान लीजिए इमेजिन करिए फिफ्थ ड्रॉप फॉल की, उसके 0.5 सेकेंड बाद सिक्स ड्रॉप फॉल करेगी. तो यानी जब सिक्स ड्रॉप फॉल करने वाली होगी उस टाइम तक फिफ्थ ड्रॉप को 0.5 सेकेंड मिले फॉल करने के लिए, लेकिन फोर्थ को कितना मिला, इससे डबल इंटरवल मिला है, दो ड्रॉप्स का इंटरवल मिल चुका है. तो फोर्थ तब तक फॉल करी होगी 2 × 0.5 सेकेंड तक. और थर्ड को कितना टाइम मिला होगा फॉल करने का, थर्ड को मिला है 3 intervals विच इज 3 × 0.5 सेकेंड्स. इसका मतलब मैं बाय यूजिंग द फ्री फॉल फॉर्मूला फॉर हाइट ड्रॉप मैं निकाल सकता हूं कि जब ये फॉल करने वाली है सिक्स ड्रॉप, तो फिफ्थ ड्रॉप कितनी हाइट ड्रॉप की होगी. h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में आप t को रख दीजिए एक इंटरवल 1 × 0.5 सेकेंड्स, तो आपका आ जाएगा फिफ्थ ड्रॉप का हाइट ड्रॉप. सिमिलरली h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में उसमें अगर आप रख दें 3 intervals तो आ जाएगा हाइट ड्रॉप में थर्ड ड्रॉप, उसको बोलो h प्राइम हाफ जी टाइम इज 3 × 0.5 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं h और h प्राइम हमारे पास आ गए. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, सो दैट इज ऑब्वियसली h प्राइम माइनस h. व्हेन यू कैलकुलेट h प्राइम माइनस h यू कैन सी दैट यू गेट 10 मीटर्स. दिस इज अज्यूमिंग g इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज, आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड. अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. Thank you.